हेलो स्टूडेंट्स, आज दा अपना टॉपिक है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक उन्हां जगह ते बनाए जांदे हन जिथे सार्वजनिक सीवर नज़दीक ना होवे जां इस दा ये दूर होवे जिस नाल कनैक्शन करना औखा हो जांदा है। टॉयलेट दी वेस्टेज जां बाथरूम दा गंदा आदि पानी आदि नूं डिस्पोज करन लई सेप्टिक टैंक दा निर्माण कीता जांदा है। इस दा सेप्टिक टैंक दा कनैक्शन टॉयलेट अते बाथरूम दे पानी नाल कीता जांदा है। सेप्टिक टैंक दी वरतों पिंडां विच घरां होटल कॉलेज आदि हॉस्पिटल आदि विच कीती जांदी है। हुण तुहानूं दस्सांगे सेप्टिक टैंक दी कार्ज प्रणाली बारे। ये जो तुसीं डायग्राम देख रहे हो ये सेप्टिक टैंक दी है। इस दा इनलेट है जिस दा कनैक्शन बाथरूम अते टॉयलेट नाल कीता हुंदा है। टॉयलेट अते बाथरूम दा पानी जां टॉयलेट दा वेस्ट पदार्थ इत्थों दी एंटर हो के सेप्टिक टैंक विच आउंदा है जो कि स्लग अते स्कम दे रूप विच हुंदा है। जो ठोस पदार्थ है उसनू स्लग कहिंदे हन अते जो तरल हुंदा है उसनू स्कम कहा जांदा है। जो ठोस जिसनू स्लग कहिंदे हन उह नीचे सतह उपर बैठ जाता है अते बाकी जो स्कम दे रूप विच तैरदा रहिंदा है जिस तो बैक्टीरिया बनता है। बैक्टीरिया इस तो बाद स्लग नू जां ठोस पदार्थ नू मिट्टी दे रूप विच तब्दील कर दिंदा है जिस नाल कि फौल गैस खत्म हो जाती है अते स्कम जो कि तरल हुंदा है वह इस तो बाद आउटलेट राही सोकपिट विच चला जाता है अते फाउल गैस जो थोड़ी बहुती भी बचती है वह वेंट पाइप राही उपर चली जाती है। ये वेंट पाइप है जिसका साइज 50 mm हुंदा है। इस दे उपर एक फिटिंग लगी हुई है जिसनों वेंट कौल कहिंदे हन। हुण तुहानूं दस्सांगे इस दी बणतर बारे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक एक आयताकार कमरा हुंदा है। इस दी लंबाई चौड़ाई इसका साइज प्रयोग करन वालियां दी संख्या ते निर्भर करता है। जेकर यह छोटा बनाया जाए तो यह एक ही हुंदा है। इस तों बाद 25 तों 30 लोगों लई बनाया जाए तो यह दो बनाए जाते हैं। जां 30 तों 40 संख्या होवे तां इह तीन भागां विच बनाया जांदा है। इस दी पार्टीशन दी दीवार दी चौड़ाई 4.5 इंच हुंदी है अते जो कि इस दी अद्ध दी डूंघाई तों थोड़ी उपर वाल तक हुंदी है। ये लोड़ अनुसार इस दीवार दी उचाई रखी जांदी है। हुण तुहानूं दस्सांगे इस नूं बनाउण दा की तरीका है। इस टैंक दीआं सारीआं दीवारां सीमेंट जां चूने दे मसाले नाल बणाईआं जांदीआं हन। इस नूं बनाउण वेले ए क्लास जिस नूं आपां एक नंबर दी अट कहिंदे आं उन्हां दा प्रयोग कीता जांदा है। इस तों बाद वाटरप्रूफ कंपाउंड नूं सीमेंट विच मिला के इस दे अंदर प्लास्टर कीता जांदा है तां कि कोई लीकेज ना हो सके। इस दी जो नीह हुंदी है जां इस दा तरातल जिसनूं कह सकदे आं हेठला पासा इस थले रोड़ी कुटी जांदी है तां कि इह नीचे ना बैठ सके जिस नाल इह सख्त तरातल सख्त हो जांदा है। इस तों बाद इस विच इक वेंटिलेशन पाइप फिट की जाती है अते एक एयरटाइट मेन होल कवर फिट किया जाता है जिस नाल इसनू सफाई करन विच आसानी रहिंदी है। सेप्टिक टैंक बनाउण तों पहलां कुछ क गल्लां ध्यान विच रखणियां जरूरी हन। एक तो इसनू बनाउण लई उचित जगह चोण करनी चाहीदी है तां कि कोई भविख विच आपां नूं परेशानी ना आ सके। एक भविख विच होण वाले वाधे नूं ध्यान विच रखा जाए। हो सकता है अगे जा के संख्या जो प्रयोग करने वाले संख्या वध जाए तो इसका साइज कितने छोटा ना रह जाए इस गल नूं ध्यान विच रखा जाए। तो जिहड़ी तीसरी गल इह है इहदा कंस्ट्रक्शन करन वेले निर्माण करन वेले जो भी समगरी इस्तेमाल की गई है सीमेंट होवे जां इट्टां होण हर एक चीज़ उच्च पद्धरी लैनी चाहिए है। माड़ी क्वालिटी इस विच यूज़ की तां इह लीक भी हो सकदा तां इह चंगी तरह कम नहीं करेगा।
इस विच किसी भी तरह की रोशनी जां हवा नहीं जान देनी चाहिए, क्योंकि जे रोशनी जां हवा संपर्क विच आउंदी है तो इसनूं बनाउण दा कोई फायदा नहीं, इसने काम नहीं करना। पहला आपां गल करके हटे सैप्टिक टैंक बारे। सैप्टिक टैंक के आउटलैट राही जो तरल पानी बाहर जाता है उसनूं खुला नहीं छड्डिया जा सकता, क्योंकि वो बहुत स्मैल वाला हुंदा है। कई बार तो उसनूं खेतीबाड़ी लई इस्तेमाल कर लेंदे हन, परंतु सैप्टिक टैंक खेतों के नेड़े ना होण करके उसका निपटारा करन दे लई असीं सोकपिट का निर्माण करदे हां। सोकपिट नूं गोलाकार जां वर्गाकार जरूरत अनुसार बनाया जाता है। इस दे नीचे तरातल उपर इट्टा नहीं लगाईआं जांदीआं, ये वैसे ही उदा ही छड्डिया जाता है ताकि जिसका इसका पानी है जो धरती सोख सके। इस दे अंदर इट्टा जां इट्टा दे छोटे टुकड़े सिटे जाते हैं जो कि पानी नूं धरती विच सोखण ते मदद करते हैं। इस दियां जो साइडां हुंदियां हन यह इट्टां दी चिनाई नाल पक्कियां कीतियां गईआं हुंदियां अते इस दे उपर एक RCC ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੋਕਪਿੱਟ ਜੋ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸੋਕਪਿੱਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।